आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बाकी के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक हमारे पास बॉल है, सही है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। एक हाइट से वो नीचे की तरफ आ रही है, सही है। यहाँ मैं बना के समझा देता हूँ आपको, सही है। मैंने कहा एक बॉल है हमारे पास और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसने एक बॉल को फेंका नीचे की तरफ, सही है। तो यहाँ पर जब बॉल स्टूडेंट्स पर्सन के जब हाथ में थी, सही है, इस पर्सन के हाथ में जब ये बॉल थी तो इसकी वीआई क्या थी? जीरो थी, सही है। ये पर्सन, मैंने कहा ये बॉल है मेरे हाथ में और इसको मैं नीचे की तरफ ये जा रही है, तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, सही है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये ज़मीन से कितनी हाइट पर है? फॉर एग्जाम्पल ज़मीन से कितनी हाइट पर है? 50 मीटर की हाइट पर है, सही है, ज़मीन से 50 मीटर की हाइट पर है। अब हमसे कहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड को टच करने से पहले। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने ली इनिशियल वेलोसिटी, वी आई की वैल्यू क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, सही है। जब बॉल रेस्ट की हालत में थी तो वी आई की वैल्यू क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। और हाइट हमें बताइए, 50 मीटर हाइट को मैंने एच से रिप्रेजेंट कराया है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 50 मीटर, सही है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स जब बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो किस वजह से जा रही है? ग्रेविटी की वजह से। इसका मतलब जी की वैल्यू हमें पता है क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हो या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो। और हमें मालूम क्या करना है? हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये बना लिया मैंने डेटा, वी आई की वैल्यू मैंने ली 0, हाइट की वैल्यू मैंने ली 50, जी की वैल्यू ली मैंने 10, सही है। और हमसे कहा है फाइनल वेलोसिटी मालूम करो, तो वो डायग्राम में मिटा देता हूँ। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। तो अब मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2 मैंने एज इट इज़ रखा, g की वैल्यू मैं क्या लूँगा? 10, और h की वैल्यू मेरे पास क्या है? 50, सही है। वी एफ का स्क्वायर, वी एफ तो मुझे मालूम करना है, ये मैंने एज इट इज़ रख दिया, माइनस वी आई का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू क्या है? 0, यानी 0 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, सही है। 5 2 10, तो मैंने लिख दिया 10 और ये 20 लगा दी, यानी 1000 इसका आंसर आएगा। अगर आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 20, और 20 को 50 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 1000। बाकी मैंने वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें वी एफ की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो एक बार मैं तरतीब से लिख देता हूँ, सही है। तो ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 1000 का हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 1000 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा क्या? 31.6। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई क्या? 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या किया स्टूडेंट्स मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैंने यूज़ की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, सही है। 2 मैंने एज इट इज़ रखा, जी की वैल्यू मैंने 10 पुट की, हाइट की वैल्यू मैंने 50 पुट की, वी एफ का स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा, माइनस की साइन लगाई, वी आई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, और 20 को 50 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब हमें वी एफ की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैंने लिखा वी एफ का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया, इक्वल की साइन लगाई, और 1000 का भी मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई कितनी? 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका आंसर है, आया समझ? नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है। अ बॉडी इज थ्रोन अप, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, सही है, और वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है और वो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता है विथ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी किस वेलोसिटी के साथ फेंक रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। और मैंने कहा ये जो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। आगे हमसे कहा कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, के ये जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बॉल है कितनी हाइट पर जाएगी वो हमें मालूम करना है, और हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी बताई है, सही है। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये आपकी बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है।
फिर से बता देता हूँ, एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, और वो एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है, किस वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। हमसे कहा है कि वो बॉल कितनी हाइट पर जाएगी, वो हमें मालूम करना है, और साथ में जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, अगेंस्ट जो है वो आप कह सकते हो अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो डेटा बना लेते हैं हम, तो वी आई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वी आई की वैल्यू है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड, सही है। और जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, जी की वैल्यू हम लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और हमें मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करनी है, सही। और साथ में स्टूडेंट, जब ये बॉल एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये रुकेगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर से नीचे की तरफ आएगी, तो वहाँ पर उस पॉइंट पर जहाँ पर ये रुकी तो वी एफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है। तो मैं ले लेता हूँ वी एफ हमारी बराबर है किसके, 0 मीटर पर सेकेंड के, सही है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें हाइट मालूम करनी है, सही है स्टूडेंट्स। तो ये मिटा देता हूँ मैं, अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या होती है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कराया, g की वैल्यू मैंने क्या ली है, -10, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -10। h तो मुझे मालूम करना है, तो h मैंने एज इट इज़ रख दिया। वी एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, तो मैं ले लेता हूँ 0 का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाई। और वी आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 50 है, तो मैंने कर दिया 50 का स्क्वायर, सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को मैं -10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, -20, एच मैंने एज इट इज रख दिया, 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस की साइन लगाई, 50 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 5 5 25, और 0 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 0 लगा दो, सही है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे जाके डिवाइड, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2500 डिवाइड बाय 20, 0 0 से कैंसिल हो गया, और 2 का टेल में 250 किससे आता है, 125 से आता है, तो हमारे पास हाइट आ गई उस ऑब्जेक्ट की, के वो जो ऑब्जेक्ट था जब हमने उसको एक वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से, सही है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो वो कितनी हाइट पर गया, वो 125 मीटर की हाइट पर गया, तो यही इसका आंसर है। फिर से बता देता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की अंडर ग्रेविटी, सही है। क्या होती है, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जी की वैल्यू पुट की और एच हमें मालूम करना है, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय -10, एच मैंने एज इट इज रख दिया, वी एफ का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस की साइन लगाई, वी आई का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 2 को -10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -20 आएगा, h मैंने एज इट इज रख दिया, और 50 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -2500, सही है। फिर मैंने क्या किया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 20 है मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आके डिवाइड, 0 को 0 से कैंसिल किया, 2 के डेल में 250 आता है किससे, 125 से, तो यही इसका आंसर है। अब ये वाला देख लेते हैं, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर, एक मैंने कहा कि एक टावर है और उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, सही है, और उसने उस बॉल को वहां से फेंका, सही है। जब वो इस बॉल को फेंकेगा स्टूडेंट्स, तो कितनी हाइट से बॉल नीचे आई है, 70 मीटर की हाइट से नीचे आई है, तो 70 मीटर हो गई हाइट, सही है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, हमसे कहा है कि भाई कितना टाइम बॉल लेगी ग्राउंड पर जाने में, और स्टूडेंट जब इस पर्सन ने इस बॉल को होल्ड करके रखा था तो उस टाइम वी आई क्या थी, 0 थी, सही है, बॉल रेस्ट की हालत में थी, तो वी आई क्या थी, 0 थी, तो इसलिए मैंने वी आई की वैल्यू 0 ले ली, और पर्सन कितनी मीटर की हाइट पर है, 70 मीटर की हाइट पर है, सही है। टाइम हमें मालूम करना है कि कितना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड पर जाने में, तो डेटा बना लेते हैं हम इसका, वी आई की वैल्यू मैंने ले ली कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड, सही है। और हाइट, हाइट की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 70 मीटर, सही है। और स्टूडेंट्स ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू हम ले लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि बॉल आपकी नीचे की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, तो जी की वैल्यू मैंने ले ली पॉजिटिव, सही है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें हाइट तो गिवन है, हमें टाइम मालूम करना है,
तो टाइम मुझे मालूम करना है, तो ये बना लिया मैंने डेटा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, डायग्राम मिटा देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यूज़ करूँगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होती है? एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है, तो ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एच की वैल्यू मेरे पास क्या है? 70, तो एच की जगह मैंने रख दिया 70। वी आई की वैल्यू मेरे पास क्या है? 0 है, तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। प्लस की साइन लगाई, 1/2 मैंने एज इट इज़ रखा। जी की वैल्यू मैंने क्या ली है? 10 ली है। टी स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, सॉल्व कर लेते हैं। 70 मैंने एज इट इज़ रखा, 0 को टी से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 2 के टेल में 10 किससे आता है? 5 से आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 5t2। फिर से लिख देते हैं 70 इज इक्वल टू 5t2। सही है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आके डिवाइड, तो टी स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा किसके? 70 डिवाइड बाई 5 के। और 5 के टेल में 70 आता है किससे? 14 से आता है। दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 14 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आएगा 14 का कितना? 3.74। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई कितनी? 3.74 सेकेंड। क्या किया स्टूडेंट्स मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? मैंने यूज़ किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला अंडर ग्रेविटी वाला। क्या होता है? एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? 70 है, मैंने पुट कर दी। वी आई की वैल्यू क्या है? 0 है, पुट कर दी। टाइम की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ रख दिया। प्लस 1/2 भी मैंने एज इट इज़ रखा। जी की वैल्यू मैंने ली है 10 और टी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रख दिया। 70 को मैंने एज इट इज रखा, 0 को टी से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा। 2 के टेल में 10 आता है 5 से, तो मैंने लिख दिया प्लस 5t2। 0 को यहाँ से मैंने खत्म किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 70 इज इक्वल टू 5t2। सही है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 70 से डिवाइड करेगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू आई थी 14। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर गिवन है टी स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हमने क्या किया? स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट 14 का क्या आएगा? 3.74 सेकेंड। तो यही इसका आंसर है, आए समझ? नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।